30 दिवसीय पोषण कल्याण स्वास्थ्य चुनौती में के आज 8वें दिन इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले 1 सप्ताह से मेरे साथ बने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं आप। आज का जो हम लोगों का मुख्य शीर्षक है, बड़े भोजन के बजाय छोटे भोजन, लगातार भोजन का परिचय देते हैं और इससे हम लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या से राहत प्रदान होगा। छोटे छोटे और लगातार भोजन के लाभों को सबसे पहले हम समझते हैं। दिन भर में छोटे छोटे भोजन करने से गैस और एसिडिटी की समस्या कम हो सकती है। अधिक भोजन करने से पेट पर बहुत दबाव पड़ता है और पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ सकता है और बढ़ सकता है क्या बढ़ ही जाता है, जिससे असुविधा हो सकती है। बार बार छोटे हिस्से के खाने से अपने पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता है और इसे गैस और संभावना कम कर सकते हैं। इसलिए आप छोटे छोटे भोजन करें। लोगों या हम लोगों के सामने आने वाले कुछ चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। उसके लिए हम लोग चुनौतियां, मनुष्य का जन्म हुआ है और सबसे बड़ी बात है हम लोग अपने स्वास्थ्य, शरीर तो बहुत बड़ा अनमोल रत्न है ना। इसके लिए तो हम लोग कुछ भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। काहे का अनमोल रत्न, यदि शरीर नहीं तो हम लोग कहीं का कुछ भी नहीं, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सब कुछ शरीर है और शरीर के लिए तो कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये छोटी मोटी चुनौतियां क्या है, कुछ हमको नहीं लगता है। नए भोजन कार्यक्रम को अपनाना होगा, चुनौतियां तो यही है, नए भोजन के कार्यक्रम को अपनाना होगा। इसमें जो है समाधान भी आता है कि धीरे धीरे 3 बड़े भोजन को 5 या 6 छोटे भोजन पर ले जाए, परिवर्तन अपने वर्तमान भोजन को छोटे भागों में विभाजित करके सुबह दोपहर के बीच नाश्ता करके शुरू करें। भोजन के बीच भूख लगना समाधान अच्छी रहता है। सुनिश्चित करें कि आपके नाश्ते में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और प्रोटीन और स्वस्थ वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मुट्ठी भर नट्स, फलों के साथ दही का साथ सब्जी का प्रयोग जरूर करें। समय प्रबंधन अपने भोजन और नाश्ते को योजना पहले से ही बना लें। सप्ताह या खाली का प्रयोग भोजन पेय पकाने वाले बांटने वाले के साथ नाश्ता हम हमेशा उपलब्ध रखें। सामाजिक कार्यक्रम संबंधी कुछ बाधाएं भी आ जाते हैं, क्या कीजिएगा, समाज में तो बहुत सारे बाधाएं आते हैं, उसको भी झेलना है। कहे कि हम लोगों का शरीर एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न है, उसके लिए तो कुछ बाधा का सामना ही करना ही पड़ेगा। अगले कुछ दिनों के लिए अपने भोजन और नाश्ते का योजना बनाए, अपने वर्तमान 3 भोजन में 5 या 6 भागों में विभाजित करें। कुछ उदाहरण हम आपको इसमें समझाते हैं। नाश्ता पालक, केला, बादाम, दूध के साथ स्मूदी लें, इसमें बहुत मजा आएगा। और मध्य सुबह का नाश्ता मूंगफली मक्खन के साथ सेब के टुकड़े का आनंद लें। यह आपके इसमें देखिए आपको न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन B12 सारा चीज इसमें आ जाते हैं। दोपहर का भोजन सब्जियों और छोटे साथ क्यों सलाद लें, अब दोपहर के भोजन में सलाद का प्रयोग जरूर करें। दोपहर का नाश्ता क्रीम, दही, शहद और मेवे के साथ लें। रात्रि का भोजन उबले हुए ब्रोकली और मीठे आलू के साथ गिल्ट फिल्ड चिकन और बेस्ट। शाम का नाश्ता मिश्रित जामुन का एक छोटा सा टुकड़ा लें। अपना नाश्ता खुद को तैयार करें, कम से कम 2 स्वस्थ नाश्ते चुने जिन्हें आपने पहले तैयार करके अपने पास रखे हैं।
चुनौतियां करें, उन्हें अपने साथ लें। जैसे आता है उदाहरण के गाजर के छोटे हिस्सा, मुट्ठी भर बादाम, पकोड़े के साथ चावल केक। अपनी प्रगति पर नजर रखें, क्या आप खाते हैं हर दिन भोजन के साथ, कैसा महसूस करते हैं? नजर रखने के लिए अपने भोजन डायरी का इस्तेमाल जरूर करें। कैसे एसिडिटी के लक्षणों में किसी तरह का बदलाव हो तो आप उस डायरी में जरूर नोट करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में। धन्यवाद।